आमने सामने अमेरिका और ईरान। जंग की दस्तक, दुनिया में दहशत। चौबीस घंटे में दो बार अमेरिका पर हुआ वार। ट्रंप के भाषण के बाद फिर हुआ हमला। आई एम रेडी and prepared to take whatever action is necessary. Green zone mein daage gaye rocket. Amerikee dutawas ke paas gire do rocket. Yuddh ki dahliz par pahunchi duniya. फिर छिड़ने वाला है खाड़ी युद्ध। یک نکته مهم قابل توجه این است که خب حالا وظیفه ما چی؟ بالاخره یه حادثه مهمی اتفاق افتاده است. بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. جنگ به سادی کمان تو برا ہوگا انجام. हर देश को चुकानी होगी भारी कीमत। तहस नहस हो जाएगी अर्थव्यवस्था। ये जंग नहीं आसान। जी हां, हकीकत में ये जंग आसान नहीं है। अगर जंग हुई तो अंजाम क्या होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। ईरान और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त बेहद कमजोर हो चुके हैं। अमेरिका को अपनी ताकत का गुमान है तो ईरान भी खुद को ताकतवर मान रहा है और अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन इस बीच शांति की आवाजें भी अमेरिका और ईरान से उठने लगी हैं। सेना भले ही युद्ध मोड पर हो, लेकिन दोनों देशों की जनता युद्ध नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है युद्ध हुआ तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। हमारी आज की खास पेशकश में इसी मुद्दे पर बात होने वाली है। अगर जंग हुई तो क्या होगा, दुनिया पर कितना असर पड़ेगा, खासकर भारत को कितना नुकसान होगा। Time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. इधर व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के पत्रकारों के सामने चीन, रूस, जर्मनी और फ्रांस को आगाह कर रहे थे। ईरान की हरकतों के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग के साथ आने की बात कह रहे थे। उधर ईरान फिर से अमेरिका के अभिमान पर फिर से चोट करने की दूसरी प्लानिंग तैयार कर रहा था। The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia and China to recognize this reality. राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप करीब 9 मिनट बोले। इस दौरान उन्होंने ईरान के नेताओं को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, यहां तक कि उस पर और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond, those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week we took decisive action to stop a ruthless terrorist
from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. अपने भाषण में ट्रंप ईरान के खिलाफ नरमी बरतते दिखाई दिए, ईरान को युद्ध न लड़ने की सलाह दी, साथ ही दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की भी नसीहत दी। मगर एक ही घंटे बाद ट्रंप की नरमी का जवाब गर्मी से मिला। ईरान ने एक के बाद एक फिर से दो रॉकेट अमेरिकी दूतावास की ओर तान दिए। रात करीब 11:45 पर बगदाद के ग्रीन जोन के अंदर दो कत्यूशा रॉकेट आकर गिरे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रॉकेट अमेरिकी दूतावास से 100 मीटर पहले आकर गिरे। इस हमले की पुष्टि इराक में मौजूद अमेरिकी सेना के प्रवक्ता ने भी ट्वीट कर दी। सुबह करीब 4:30 अमेरिकी सेना ने ट्वीट कर ये बताया कि 8 जनवरी की रात 11:45 पर दो छोटे रॉकेट बगदाद के ग्रीन जोन में आकर गिरे। इस हमले में ना किसी की जान गई और ना ही कोई नुकसान हुआ। अमेरिकी दूतावास पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, मगर माना यह जा रहा है कि ट्रंप के भाषण का जवाब देने के लिए ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया है। इंडिया जो है काफी से ज्यादा मुश्किल हालात में है। हमारे रिश्ते नाते अमेरिका के साथ बड़े ज़बरदस्त हैं और स्ट्रेटेजिकली इम्प्रूव हो रहे हैं। उसी माफी हमारे इक्वेशंस और रिलेशंस ईरान के साथ बड़े अच्छे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे रिलेशंस किसी भी देश के साथ बिगड़े। अमेरिका की हमको आवश्यकता है। वास्तव में इंडो पैसिफिक एरिया में अगर हमने हिंदुस्तान ने अपने आप को कायम करना है, चाइना के साथ मुकाबला करना है और इंश्योर करना है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है जहाँ से हमारी 55% ट्रेड आती है वो हर किस्म से इंटरनेशनल रूल्स का पालन हो, इंटरनेशनल वाटर्स में नेविगेशन में कोई रुकावट ना आए, इंटरनेशनल एयर स्पेस के ऊपर कोई रुकावट ना आए, ऐसे में हमको अमेरिका की आवश्यकता है, अमेरिका को हमारी आवश्यकता है। दूसरी तरफ हमको ईरान का जो छह बहार है वो स्ट्रेटेजिकली हिंदुस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुदार के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं और साथ में हमको रेल और रोड कनेक्टिविटी मिलती है अफगानिस्तान के लिए जो आने वाले समय में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण के बाद लगने लगा था कि शायद अब दोनों देशों के बीच पैदा हुआ तनाव कम हो जाएगा, अमेरिका और ईरान युद्ध के रास्ते से हट जाएंगे। मगर 8 जनवरी की रात अमेरिकी दूतावास के पास हुए हमले से दोनों देशों के बीच शांति का पथ धुंधला ही दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो दोनों देशों के बीच शांति का पथ इस वक्त धुंधला हो चुका है। अमेरिका ने शांति की पहल की कोशिश की मगर इस कोशिश पर रॉकेट अटैक कर ईरान ने अमेरिका को और तिलमिला दिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि दुनिया जंग की दहलीज पर खड़ी है। अगर युद्ध हुआ तो कौन अमेरिका के साथ खड़ा होगा और कौन ईरान के साथ खड़ा होने वाला, ये बड़ा सवाल। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जंग हुई तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। ईरान अमेरिका में युद्ध के आसार। जंग हुई तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हो जाएगी लाचार। पेट्रोल डीजल के दाम छुएंगे आसमान। भारत भी भुगतेगा युद्ध के अंजाम। जी हां, अगर ईरान और सुपर पावर अमेरिका के बीच ऐलाने जंग हुआ तो इसका खामियाजा दुनिया को उठाना पड़ सकता है। दोनों देश अगर युद्ध में आमने सामने आए तो पूरे विश्व को इसका अंजाम भुगतना होगा, यानी आग ईरान की धरती पर लगेगी और तपन पूरी दुनिया महसूस करेगी। इसमें अगर ईरान और यूएस में टेंशन बढ़ती है, युद्ध की तरफ चीज जाती है, तो जाहिर सी बात है ईरान पे काफ़ी असर पड़ेगा और हिंदुस्तान की जब बात करें तो हमारे लिए काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। आज चाहे
डेली इंग्रेडिएंट्स हों हाउसवाइफ के, एनी एंड एवरी हाउसवाइफ द डेली इंग्रेडिएंट्स शी यूजेस इन द किचन लाइक मिल्क वेजिटेबल्स देयर अ पॉसिबिलिटी दे विल बिकम कॉस्टलियर, वो कॉस्टली हो जाएंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मंडल डॉट इन का मानना है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ऑलरेडी इन्फ्लेशन RBI के कम्फर्ट लेवल से हाई है, 4.62% पे है, GDP ग्रोथ कम है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्थिति पहले ही अच्छी नहीं है, तो ऐसे में और तकलीफ हो जाएगी। तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छा ये है कि जंग ना हो। ऐसे में सवाल उठता है कि जब लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच होगी, जंग के मैदान में सिर्फ दो देशों के सैनिक उतरेंगे, तो क्यों इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा? युद्ध में ऐसा क्या होगा जिसके कारण भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के विकास की रफ्तार थम जाएगी? तो इस सवाल का सबसे पहला और सबसे बड़ा जवाब है तेल। हमारे ऊपर दो तरफा नेगेटिविटी देगी। फर्स्टली, देयर आर सो मेनी इंडियन ब्रदर्स हु आर वर्किंग देयर, दे सेंड रेमिटेंसेस। बहुत से हमारे भारतीय भाई वहाँ नौकरी करते हैं जो हर महीने अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनके रुकने का खतरा एक रहेगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वहाँ पे है वो एक बहुत बड़ा, एक कहूँगा एक रास्ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल रास्ता है क्रूड ऑयल के आने के लिए उस पूरे एरिया से, ना सिर्फ ईरान से बल्कि उस पूरे एरिया से हिंदुस्तान आने के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने का या रिस्की होने का खतरा हो सकता है, जिसका मतलब है कि क्रूड ऑयल सप्लाईज डिस्टर्ब हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। तो पहले तो रेमिटेंसेस कम होने की संभावना है, दूसरा क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ने की संभावना है, कच्चे तेल की सप्लाई इररेगुलर होने की संभावना है। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हमारे लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तेल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा भारत और चीन ईरान से मांगता है। अगर भारत की बात करें तो भारत 80% तेल ईरान से मांगता है, वहीं बड़ी मात्रा में गैस भी ईरान से आयात करता है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। युद्ध के दौरान ईरान से तेल और गैस का आयात पूरी तरह ठप हो सकता है, जिससे भारत की इकोनॉमी की कमर टूटने के हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि तेल और गैस की मांग पूरी न होने पर जहां एक ओर पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आएगा, वहीं घरेलू उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। खाने पीने की चीजों पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा इम्पोर्टेड क्रूड के महंगा होने से। अब देखिए, जितनी भी जरूरतें जिंदगी का सामान है सारा का सारा ज्यादातर डीजल के ऊपर ट्रेवल करता है। सुबह जो घर पे दूध आता है, सब्जियां आती हैं और चीज़ें हैं, वो डीजल के ऊपर ट्रैवल करता है। तो जब डीजल महंगा हो जाएगा, डीजल की सप्लाई अगर इरेगुलर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है दूध सब्जियां सब महंगी होने की उम्मीद है, और भी जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे ली जाती हैं उनके महंगा होने की उम्मीद है। तो खाने पीने का सामान हम उस एरिए से उतना इम्पोर्ट नहीं करते, बट खाने पीने का सामान जिस चीज़ पे पकता है, जो चीज़ जिस चीज़ के ऊपर वो ट्रैवल करता है, वो हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। अब खाने पीने के सामान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, माल ढुलाई एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब आपको बताते हैं, युद्ध होने पर तेल की मांग पूरी न होने से सबसे ज्यादा असर कहां कहां पड़ेगा। तेल की मांग पूरी न होने पर सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्ट पर होगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज महंगे हो सकते हैं, लोगों को आने जाने के लिए ज्यादा किराया देना पड़ सकता है, वहीं पेट्रोल और डीजल के लिए भी लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। पिछले वित्त वर्ष में जरूरत का 84% कच्चा तेल ईरान से आयात किया गया था। काफी तेल वहां से आता है, अगर युद्ध हुआ तो 100 से ऊपर भी जा सकता है तेल। किस तरह की दिक्कतें होंगी, क्योंकि पहले से ही तेल के दाम बढ़े हुए हैं। तेल के दाम बढ़ जाएंगे सर, गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, जब क्लाइंट जब उतना पैसे नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे, करके नौकरी गाड़ी खड़ी करेंगे और क्या करेंगे, मजबूरी में तो सब कुछ करना पड़ेगा, देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले से ही तेल के दाम बढ़े हुए हैं, 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, वो भी झेलेंगे, वो भी देश इतना ही है, वो कोई अलग नहीं है। 100 से ऊपर हो जाएगी, हो जाएगी, परेशान तो आएगा जनता के पास। इस तरह अमेरिका और ईरान में हमले की
आपस में लड़ाई की संभावना बन रही है, तो तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं, उस पर कितना फर्क पड़ेगा? देखो भैया, बात तो ऐसी है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, अब से अगर आप एक दो साल की अगर पहले जाते हो तो तेल का रेट जो था बहुत कम था। आज की रेट में अगर मैं डेली बाइक से आता हूँ, घर से डेली आता हूँ, पहले की रेट में 50 रुपये में आना जाना हो जाता था, अब जो है 170 रुपये लग जाते हैं भैया। मैं तो यही कहूँगा मोदी जी से, इसका कुछ सोचो, तो अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो क्या तैयार है आप उसके लिए? तैयार तो देखो, अब इंडिया वाले तो हर चीज के लिए रहना पड़ता है, तैयार तो रहना ही पड़ेगा। अमेरिका और ईरान का तनाव युद्ध में तब्दील होता है तो तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी तो दर्ज होगी ही, साथ ही ईरान और खाड़ी देशों से होने वाला व्यापार भी बंद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो देश की आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आन9 टीवी। युद्ध के दौरान तेल और गैस के दामों पर अप्रत्याशित बढ़ोतरी के आसार हो जाएंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की चीजों के भी दाम बढ़ सकते हैं। ईरान से आयात होने वाली हर चीज के दामों पर इस युद्ध का असर पड़ना लाजमी है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान और अमेरिका के आमने सामने आ जाने से भारत के मार्केट पर दोहरी मार पड़ सकती है। अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत पहले ही ईरान से आधा व्यापार कर रहा है। अगर युद्ध हुआ तो भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध शून्य पर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति पैदा होने पर ईरान को तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा, साथ ही भारत की जनता को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात ये जो है इंपोर्ट जो है ऑयल की ईरान से करता है, और अभी जब अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी तो ये फैसला हुआ कि उसको हम घटा देंगे। अब ये है कि एक तरफ तो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं क्रूड, और दूसरी तरफ हम उसको रिफाइन करके वापस उनको बेचते हैं। ये दो बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा फायदा हमको ईरान से ये है कि वो जो हम उनसे तेल खरीदते हैं उसका जो कॉस्ट है, उसका जो दाम है, उतना पैसा वो हमको हमारे बैंकों में जमा करने की इजाज़त दी गई है, तो वो पैसा हमारे बैंकों में ही रहता है। फिर वो जो हमसे निर्यात करते हैं, हमारे से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, उसके लिए वो खर्चा वहाँ से करते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा अब जो इंटरनेशनल रिलेशन हो रहा है, इंटरनेशनल जो, वो बड़ी हमारे लिए बड़ी एक मुसीबत की सबब बन गया है। तो देखना ये है कि हम कैसे कूटनीति से इसके ऊपर आते हैं और कैसे इसमें सुधार करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद भारत ने ईरान से तेल के आयात में भारी कटौती की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भारत ने ईरान से 37.5 मिलियन मीट्रिक टन तेल आयात किया था। साल 2017 में यह आंकड़ा बढ़ा और 46.9 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल ईरान से आयात किया गया। साल 2018 में 46.1 मिलियन मीट्रिक टन तेल ईरान से इंपोर्ट किया गया, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के बाद तेल आयात में तेजी से गिरावट आई। साल 2019 में सिर्फ 26 मिलियन मीट्रिक टन तेल ईरान से इंपोर्ट हुआ। वही इस अवधि में 2016 तक भारत अमेरिका से तेल आयात नहीं करता था, मगर 2019 आते आते 5 मिलियन मीट्रिक टन तेल अमेरिका से आने लगा। जहां युद्ध से भारत में तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं तनाव को देखते हुए भारत ने भी खाने पीने की चीजों के निर्यात पर रोक लगा दी है। टी बोर्ड ने ईरान चाय न भेजने का फैसला किया है। टी बोर्ड का कहना है, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, चाय निर्यात नहीं की जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 तक 5.043 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात ईरान में किया गया था। चाय के अलावा बासमती चावल ने भी ईरान में निर्यात पर रोक लगा दी है। पिछले साल भारत ने 32,800 करोड़ के चावल निर्यात किए थे,
जिसमें से 10,800 करोड़ के चावल सिर्फ ईरान को निर्यात किए गए। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विमान कंपनियां अब ईरानी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से बचने के लिए अपनी उड़ानों का रास्ता बदल सकती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो तेल के ऊपर बहुत निर्भर है। जैसे ही तेल के दाम बढ़ेंगे, अनाज के दाम बढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ पे, क्योंकि हर एक चीज ट्रांसपोर्ट होती है, तो जैसे कि अभी हवाई जहाज के टिकट के दाम बहुत बढ़ गए, जो क्योंकि हवाई जहाज जो है उनको एयरलाइंस को बिल्कुल मना कर दिया ईरान के ऊपर से जाने के लिए। अब उनको घूम के जाना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ईंधन भी ज़्यादा खर्चा होगा, इंश्योरेंस के पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सब देखते हुए जो स्थिति, आर्थिक स्थिति है, वो गंभीर हो जाएगी। दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के अलावा किचन पर भी ये युद्ध असर डाल सकता है। अगर युद्ध नहीं रुका तो गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ने से फल सब्जियों के दाम भी महंगे हो सकते हैं, यानी किचन भी इस युद्ध की चपेट में आ सकता है। बहरहाल हर कोई चाहता है युद्ध ना हो, ईरान से भी युद्ध ना होने की आवाजें उठ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में नरमी दिखाते हुए युद्ध की आशंका को कहीं ना कहीं विराम लगाया है। ऐसे में बेहतर होगा ईरान भी अपने लहजे में नरमी दिखाए और शांति की मिसाल पेश करे, ताकि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच सके। अगर ऐसा न हुआ तो दुनिया का हाल वही होगा जैसे भारत में होता है। पराली हरियाणा में जलती है और धुएं से तकलीफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश को हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।